फ्रेंड्स, दिवाली से ठीक एक दिन पहले नरक चतुर्दशी मनाई जाती है, जिसको छोटी दिवाली के रूप में भी मनाया जाता है। तो आज हम पंडित जी से जानते हैं कि इसको क्यों मनाया जाता है और इसको छोटी दिवाली क्यों कहा जाता है। देखिए नेहा जी, पंच दिवसीय दीपावली पर्व का ये दूसरा दिन है। मूलतः ये जो पर्व है यमराज के निमित्त है। इस पर्व का उद्देश्य है कि यम नियम से मुक्ति पा जाना और यातनाओं से न भोग करके इस दिन स्वास्थ्य अर्जित करना। और इसी दिन अभ्यंग स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। अभ्यंग स्नान क्या है वो भी हम आपको बताएंगे, लेकिन ये मूलतः ये जो पर्व है नरक चतुर्दशी इसलिए भी कहलाता है क्योंकि इस दिन नरकासुर का अंत हुआ था। इस पर्व को मनाने के बहुत सारे कारण में से एक ये भी है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा नरकासुर का इस दिन अंत किया गया था, इसलिए ये दिन बहुत ज़्यादा खास महत्वता रखता है रूप को सजाने के लिए, रूप पाने के लिए। इसी कारण से इसे रूप चतुर्दशी भी कहते हैं। इस दिन रूप में निखार लाने के लिए यम का पूजन भी किया जाता है और इस दिन मूलतः कोढ़ से मुक्ति पाने के लिए, बीमारियों से मुक्ति पाने के लिए ये स्पेशल पूजन किया जाता है। पंडित जी, जैसे ठीक इसके एक दिन बाद दीपावली मनाई जाती है, ये छोटी दीपावली के रूप में मनाया जाता है जी, तो दोनों का मनाने का ढंग एक ही है? नहीं, देखिए मूलतः जो हमने पंचदेव उपासना की है और पंचदेव जो हमने स्थापना की है धन त्रयोदशी पे, वो तो रहती रहती है, लेकिन ये खास दिन है। ये खास दिन है भगवान श्री कृष्ण के पूजन का। इसी दिन हनुमान विजय दिवस भी मनाया जाता है। इस दिन इसलिए हनुमान का पूजन का भी विधान है। इस दिन श्री कृष्ण के साथ साथ यमराज के पूजन का बहुत बड़ा महत्व है और ये पूजन शुरू से ही शुरू हो जाता है, सुबह से ही। इस दिन अभ्यंग स्नान का बहुत बड़ा महत्व है। वैसे चौदस के दिन पे तिल का प्रयोग और तिल का मालिश ये निषिद्ध कही गई है, लेकिन ये खास ऐसा दिन है कि इस दिन तिल के तेल से मालिश करके स्नान किया जाता है, उसे ही अभ्यंग स्नान कहते हैं। और ये अभ्यंग स्नान जो है वो सूर्योदय पूर्व किया जाता है, यानी कि सूर्योदय से पहले अपने पूरे शरीर पर तिल के तेल से मसाज करके और उसके बाद में स्नान किया जाता है। इस दिन साबुन का प्रयोग नहीं किया जाता, अपने शरीर पर तिल के तेल का आवरण लगा करके मसाज करके प्रॉपर तरीके से अभ्यंग स्नान किया जाता है। और ये दिन है खुद को सुंदर बनाने का, तो इस दिन इसलिए बेसन और मुल्तानी मिट्टी का लेप लगा करके शरीर को घसा जाता है और उसमें से मैल को निकाला जाता है। ये दिन मूलतः है खुद को साफ करने का जी। और वैद्य तरीके से साफ करने का जी। तो पंडित जी, अभी हम बात कर रहे थे दिवाली की और छोटी दिवाली की, तो जैसे दिवाली वाले दिन हम बहुत सारे दिए जलाते हैं अपने घर में, बहुत सारी रोशनी करते हैं, तो क्या छोटी दिवाली पर भी दिए जलाए जाते हैं? अगर जलाए जाते हैं तो कितने जलाने चाहिए? देखिए इस दिन यमराज के निमित्त दीपदान का महत्व है, सबसे बड़ा महत्व जी। तो इस दिन 14 दिए घर की दक्षिण दिशा में सिर्फ और सिर्फ यमराज के लिए रखे जाते हैं। बाकी जो निमित्त पूरे महीने आप 6 दीपक और जलाते हैं कार्तिक के पूरे महीने में, उसका विधान तो है ही है। इस दिन विशेषतर घर पर और एक्स्ट्रा 24 दिए जलाने का मत भी है, तो कुल मिलाकर के 14 + 24 + 6 इतने दिए तो आपको आज के दिन विशेषतर जलाने ही होते हैं। कुछ एक स्पेसिफिक लोकेशन है जैसे तुलसी पर नियमित रूप से दीपक जलता है। तो पंडित जी, अभी आपने बताया 44 दियों दीपक दान का, ठीक है, तो ये दिए कहाँ कहाँ पर हमें जगाने चाहिए? देखिए घर की दक्षिण दिशा में यमराज के निमित्त 14 दीपक जलाए जाते हैं। मूलतः ये दिन यमराज पूजन का है। इसके अलावा आप जो 6 दीपक पूरे कार्तिक महीने में नियमित रूप से जलाते हैं जैसे तुलसी पर, इसके अलावा घर की जो आपका मेन एंट्रेंस गेट होता है उसके पास में, घर के बाहर बेसिकली एक दीपक ज़रूर लगाया जाता है पानी गिरा करके थोड़ा सा, जिसमें से खील पतासा भी डालते हैं भगवान के वेलकम करने के लिए। इसके अलावा जहाँ जहाँ आप दीपक की पंक्ति लगाना चाहते हैं उस जगह की ज़रूर लगाएं, लेकिन इस दिन दक्षिण दिशा में 14 दीपक ज़रूर जलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इस अहम जानकारी के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद नेहा जी, और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है ये जानकारी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, इसी तरह की और भी जानकारियां हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले हमारा YouTube चैनल कुंडली टीवी, Facebook पेज कुंडली टीवी लाइक और शेयर करना ना भूलें।